क्या शिलाजीत सच में मैजिकल है जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में हेल्प करता है? शिलाजीत होता क्या है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं अबाउट व्हाट इज शिलाजीत, मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन ऑफ शिलाजीत, पेटेंटिंग ऑफ शिलाजीत, पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ शिलाजीत एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ शिलाजीत। मेरा नाम है हिमांशु बिष्ट, आई एम अ न्यूट्रिशन एंड फिटनेस कोच एंड आई टीच न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज साइंस इन ग्रेट डिटेल। शिलाजीत एक नेचुरल सब्सटेंस है जिसे नॉर्थ इंडिया में शिलाजीत, शिलाजातु, मिमी और मुमियों के नाम से भी जाना जाता है। शिलाजीत एक ब्लैक ब्राउनिश पाउडर होता है जो हाई माउंटेन रॉक्स, स्पेशली जो हिमालयन रीजन नेपाल और इंडिया के बीच में है, वहां पर पाया जाता है। वैसे ये रशिया, अफगानिस्तान और अब तो नॉर्थ चिली के माउंटेन्स में भी पाया जाता है। और शिलाजीत ऐसा नहीं है कि हाथों हाथ डेवलप हो जाता है, इसको डेवलप होने में सेंचुरीज, काफी साल लग जाते हैं और ये डेवलप होता है बाय स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स। अब अगर हम शिलाजीत के मॉलिकुलर कॉम्पोजिशन की बात करें तो शिलाजीत बनता है फ्रॉम ह्यूमिक सब्सटेंसेस। ह्यूमिक सब्सटेंसेस एक कैटेगरी है ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो डेवलप होते हैं आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। इन ह्यूमिक सब्सटेंसेस में एक सब्सटेंस होता है फुलविक एसिड जो शिलाजीत में बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है और यही फुलविक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेनी थेरापेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ शिलाजीत, जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एजिंग एंड एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के लिए। शिलाजीत में फुलविक एसिड के अलावा भी काफी मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे फैटी एसिड्स, लेटेक्स, गम्स एक्सेट्रा। नाउ बिफोर मूविंग टू बेनिफिट्स एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ शिलाजीत, पेटेंटिंग की बात करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। शिलाजीत के लिए कुछ पेटेंट्स पहले से ही एस्टैब्लिश्ड हैं टू प्रोटेक्ट द यूजेज ऑफ शिलाजीत ऑफ नेपाल एंड इंडिया, सच एज यूएस पेटेंट 5405613 विटामिन एंड मिनरल कॉम्पोजिशन, यूएस पेटेंट एप्लीकेशन नंबर 20030198695, हर्बो मिनरल कॉम्पोजिशन पेटेंट नंबर 6440436, प्रोसेस फॉर प्रिपेयरिंग प्योरिफाइड शिलाजीत कॉम्पोजिशन फ्रॉम नेटिव शिलाजीत पेटेंट नंबर 655872, डिलीवरी सिस्टम फॉर फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रिशनल एंड कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट। ये सारे के सारे यूएस पेटेंट हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ शिलाजीत। मोस्ट ऑफ द लोग इसी सेक्शन में इंटरेस्टेड होंगे कि क्या ये टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है, बट मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड क्योंकि आपको इसके रिस्क और साइड इफेक्ट जानने बहुत जरूरी हैं। अब वैसे तो शिलाजीत के काफी बेनिफिट्स रिपोर्ट किए गए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मेजर दो बेनिफिट्स की बात करने वाला हूँ। नंबर वन बेनिफिट, अल्जाइमर डिजीज। शिलाजीत मे प्रिवेंट और स्लो द प्रोग्रेशन ऑफ अल्जाइमर डिजीज। अब अल्जाइमर डिजीज एक ब्रेन डिसऑर्डर है जो स्लोली एंड स्टेडी आपकी ब्रेन की थिंकिंग स्किल्स को कम कर देता है और आपकी मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब हमारी बॉडी में एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं टाउ प्रोटीन। ये प्रोटीन स्टेबलाइज करता है ब्रेन न्यूरॉन्स को। अब टाउ प्रोटीन्स डेफिनेटली बहुत एसेंशियल होते हैं आपके नर्वस सिस्टम के लिए, बट अगर ये काफी एक्युमुलेट हो जाते हैं या काफी बिल्डअप हो जाता है इनका, तो इससे ब्रेन सेल डैमेज भी हो सकता है। अब जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि शिलाजीत हैज फुलविक एसिड और वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। ये साइंटिफिक स्टडी बताती है फुलविक एसिड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू कॉग्निटिव हेल्थ बाय प्रिवेंटिंग द एक्युमुलेशन ऑफ टाउ प्रोटीन। बेनिफिट नंबर टू, टेस्टोस्टेरोन। 2015 में एक साइंटिफिक स्टडी की गई थी 75 मेल्स के ऊपर, जिसमें इन मेल्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था। एक ग्रुप को 250 mg ऑफ प्योरिफाइड शिलाजीत दिया गया था इन फॉर्म ऑफ कैप्सूल ट्वाइस अ डे और दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो पे रखा गया था। मतलब उनको भी एक कैप्सूल दी गई थी लेकिन उसमें उन्होंने लैक्टोज, मैग्नीशियम मिक्स कर दिया था और उनको बोला था कि ये शिलाजीत है, बट असलियत में वो शिलाजीत की कैप्सूल नहीं थी। और ये जो दोनों कैप्सूल दोनों ग्रुप्स को दी गई थी, ये दिखने में बिल्कुल आइडेंटिकल थी। साथ ही साथ इन पार्टिसिपेंट्स से कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, जिसमें से दो क्वेश्चन का आंसर सारे पार्टिसिपेंट्स ने यस कहा था। ये क्वेश्चंस थे, Do you have a decrease in libido and are your erections less strong? और इस सब के बाद हर एक volunteer का blood test किया गया था और total and free testosterone नोट किया गया था on day 0, on day 30, on day 60 and on day 90। और इसका result ये निकला कि जिस group को शिलाजीत दिया गया था उनके testosterone level में significant increase आया था on day 90 as compared to that group जिसको शिलाजीत नहीं दिया गया था। So ये study definitely prove करती है कि शिलाजीत can actually help you increasing your testosterone। बट इससे पहले कि आप शिलाजीत को लेना स्टार्ट कर दो, शिलाजीत के पोटेंशियल डाउनसाइड्स भी हैं विच कैन बी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। शिलाजीत में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्योरिटी की। वेरियस साइंटिफिक स्टडीज ये बताती हैं कि विदाउट प्योरिफिकेशन शिलाजीत में काफी हैवी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च, पाकिस्तानी एंड इंडियन शिलाजीत में हैवी मेटल्स पाए गए थे जैसे कि लेड,
आर्सनिक एंड मर्करी विच एक्चुअली एक्सीडेड द परमिसेबल लिमिट इन क्वांटिटी। और सिर्फ शिलाजीत ही नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिफिक स्टडी 1/5 ऑफ यूएस एंड इंडियन मैन्युफैक्चर्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन कंटेन डिटेक्टेबल लेड मर्करी एंड आर्सनिक विच आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो करें क्या, कंक्लूजन है क्या, इसको ले या ना ले? मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप कहीं से भी शिलाजीत मत लेने लग जाओ। सिंस ये सप्लीमेंट इंडस्ट्री वैसे ही बहुत ज्यादा अनरेगुलेटेड है, तो चांसेस ज्यादा है कि आपको फेक शिलाजीत मिल जाए और इससे आपकी हेल्थ और भी ज्यादा खराब हो जाए। अनलेस एंड अंटिल आप 100% श्योर नहीं हो कि ये प्योर शिलाजीत है, आपको उसे कंज्यूम नहीं करना चाहिए, चाहे आपको कोई भी कुछ भी बोले। एंड बिफोर टेकिंग शिलाजीत आपको अपना ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए, मील्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रोटीन रिच होनी चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेक केयर ऑफ योर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एज वेल, जैसे मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन डी। आपको ये छोटे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स भी लेने हैं, ये भी आपके टेस्टोस्टेरोन को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। एंड लास्टली, अगर आप एक ओबीज इंडिविजुअल हो तो आपके टेस्टोस्टेरोन डिप होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो अगर आप एक ओबीज इंडिविजुअल हो, मेक श्योर टू लूज दैट फैट एंड बिल्ड मसल, क्योंकि रिसर्चेस में ये देखा गया है कि जब आप फैट लॉस कर लेते हो और आप मसल बिल्ड करते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ऊपर जाता है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला, देन यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर साइंटिफिक वीडियोज ऑन न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज साइंस।